मामला जो हैं खराबी का शिकार हैं और इस खराबी की वजह से लोगों के सामने क्या नाम है आपके? ठीक है, मुझे ये बताइए कि क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। तो डॉलर सस्ता हो गया बहुत ज़्यादा, 60 पे आ गया जी, 137 पे चला गया माशाल्लाह। इससे आप पे कोई महंगाई का असर नहीं पड़ेगा इस तरह? बहुत पड़ेगा जी, बहुत पड़ेगा। हर चीज़ महंगी हो गई, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। उम्मीद है कि आवाम को अगर रमजान का रिलीफ दे दे तो बेहतर है। क्या हाल है, कैसे रिलीफ दिया जाएगा? ये तो ये जो आप IMF के पास जा रहे हैं कर्ज लेने के लिए, उम्मीद है इससे शायद, लेकिन इस दौरान तो रगड़ा लग जाएगा, ये 2-3 महीने का जो रगड़ा होगा आवाम को। रगड़ा तो लग जाएगा लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अच्छा भी हो जाएगा, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब उम्मीद रखते हैं पॉसिबल हो, बहुत उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह। एक साल में इंतज़ार करें, इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। बड़ी बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा जी, बड़ी अच्छी है, इन्होंने ऑप्टिमिस्टिक सोच से बात की है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉलर महंगा हो गया बहुत ज़्यादा, लगेगा बहुत महंगा होगा, और महंगा होगा अल्लाह के हुक्म दे नाल। की वजह? तब्दीली आ गई ना, तब्दीली आ गई बस है, दुआ करे अल्लाह मेरी रहमत करे सारे मुल्क पे, बस अल्लाह ताला जी रहमत करे, सही बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का। तो मुझे ये बताएं कि डॉलर के महंगे होने से पाकिस्तान की हर चीज़ महंगी हो जाती है? जी बिल्कुल, हर चीज़ महंगी हो जाती है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो कैसे फिर आम बंदे के हालात ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे? आम बंदे का तो जो ये इमरान खान साहब कह रहा था जलसों में, जो कुछ सबस बाग दिखा रहे थे उसमें से तो आपका कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा है। अदरवाइज इन्हें के जो अंदर खून है वो भी चूस लेगा ना, हमें काम करने दे रहे हैं ना हमें, वो जो है वो क्या कहते हैं इन्हें के न चीज़ें सस्ते हो रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि वो के क्या रहा था और कर क्या रहा है, के क्या रहा था और कर क्या रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको उनकी बात समझ नहीं आ रही? नहीं आ रही है। आप क्या कह रहे हैं? बाद में बता कर देगा सब कुछ समझ आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, अब आते ही एकदम से सब कुछ नहीं होगा। नहीं, अभी मेरे वो तो यही कह रहा था, एकदम से यही कह रहा था कि मैं सब कुछ ऐसे कर दूंगा। हुकूमत नहीं है, पूरे पाकिस्तान की हुकूमत है, चलाने में थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं लूंगा। वो यही कह रहा था कि तो ये एकदम में जो है ना कोई किसी के ये इस पे टेम तो लगने दो, लोगों ने 5-5 साल 10-10 साल किया, उसने क्या किया? जो वो कह रहा था मैं वही कह रहा हूँ। तो वो जो कह रहा था वो कैसे यू टर्न मास्टर है, हर बात पे इधर से इधर उधर से उधर। वो भाई वो जो कुछ कह रहे हैं वो जो कुछ कह रहा है मेरी बात सुने, ये कोई बादशाहत नहीं है, हुकूमत है, पूरे मुल्क को देखना पड़ता है, हर चीज को देख के चलाना पड़ता है, इसलिए हम प्रॉपर इमरान खान के साथ। आप पढ़े लिखे, आप पढ़े लिखे बाशऊर आदमी हूँ, आप जिस चीज का जिस तरह का बोलते हो आपको वही करना चाहिए ना। परस करो, मैं कहता हूँ जी भाई कल को मैं आ जाऊंगा तो मैं यही कर लूंगा, तो मुझे वही करना चाहिए ना। उसने डॉलर गिराना था, उसने डॉलर बढ़ाना नहीं था, वो यही कह रहा था कि भाई डॉलर मैं 60 पे ले आऊंगा, वो क्यों नहीं आया? पेट्रोल को मैं ऐसे कर दूंगा, सारे नहीं, ये 60 पे इतना जल्दी तो नहीं आ सकता, वो गरीब तो रहने नहीं देगा, किधर गया? बिल्कुल नहीं कर रहे, नहीं गरीब कुछ नहीं देगा, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बस। इंशाल्लाह तब्दीली आएगी, टाइम तो दो कम से कम, एक साथ इमरान खान जिंदाबाद। दुकानदार है, ये जो ऑपरेशन चल रहा है, मेरी बात सुने, एक्सक्यूज मी मेरी बात सुने, ये जो वो कहते साल का टाइम दे, वो भाई साल का टाइम, वो यार बुला लेना यार, उन्हें बुला, ये जो 1.5 माह में उसने कितना यू टर्न लिया, वो आप मीडिया वाले हो, आपको अच्छा खासा पता हो, आपने रब को जान देने कल को मरने कितना यू टर्न लिया, क्या कुछ किया उसने, क्या कुछ किया मेरे भाई, वो नहीं जिस तरह का वो भाई उसने कुछ, उसने 10 साल में उसने आवाम का खून चूस लिया एक मोटरे बना के, ना क्या करो, उसने मेरे भाई इस तरह का बोला भी नहीं था, जो इसने बोले वो कम से कम उसके लाज करना, लाज रखना चाहिए, लाज रखना चाहिए। वो मेरे भाई तुम लोगों के पास तो सिर्फ दावों के अलावा कुछ नहीं है। मेरे भाई इस न्याशाने केस में क्या कर किया, शहबाज शरीफ बेचारे को क्यों ले गया, किस वजह से आपको ये पता है? सब आपने खुद बेचारा की दिया, किस बात पे ले गया तो हमें समझ नहीं आ रहा, किस बात पे क्यों ले गया, यही तो बात है, यही तो बात है। केस कोई नहीं, बंदे को उठा दिया, जब नैब ने आमने सामने बिठाया तो सारे इल्जाम सुभाष शरीफ पे लगे, तब उठाया। सुभाष शरीफ कोई आम मल्ले का बंदा नहीं जिसे जो मर्जी पकड़ के ले जाए, सुभाष शरीफ हुकूमत कर रही है पंजाब पे, इसलिए उस पर इल्जाम आए, तब वो ले गया इंक्वायरी के लिए। जी वो भाई ये सब दुनिया को नजर आ रहा है क्या कुछ हो रहा है, आप अगर अपने अंकों को, आप अगर अपने अंकों को बंद कर, भाई पठाने नहीं समझ नहीं, वो बात ही अलग है, वो बात नजर आ रहा है, ये चोर था, चोर रहा, चोर पकड़ लिया। अब क्या जवाब है? अब देखो इनके साथ इसी सिचुएशन में बोलना मुनासिब नहीं, क्योंकि ये बोलने का मौका ही, भाई बंदा वो है जो किसी का सुने और किसी को सुनने के मौका दे।
इसने आपको क्या दिया था? इंजामात लगाना जुर्म नहीं होता है, इंजामात लगाना जुर्म नहीं होता है, इंजामात है ना, बगैर जुर्म होता है। प्रूफ आपके पास है नहीं, बंदूक उठा लेते हो, नया प्रूफ लेगा ना, नया प्रूफ लेगा उनसे जुर्म। यार निजामात लगाने निजामात तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो पकड़ा ना, गैप नहीं है। प्रूफ तो नवाज शरीफ के खिलाफ आपने नहीं दिया, प्रूफ तो तुम्हारे पास है ही नहीं, आपको क्यों नहीं ले गए, प्रूफ नहीं है तो बात तो यही। और कल को मुझे भी ले जाएगा, कल को मुझे भी ले जाए, यही तो काम है। चोर को ही लेके जाते हैं, आपने को लेके जाएगा ना, बॉर्डर से उधर ना, हम इंडिया ने कोई छतानी नहीं की नहीं, तो आए दिन करता रहता सी मोती यार है उधर का हमला है कोई, इन्हें वक्त पाया था कौमी मतीदा च वक्त पाया सारे इन पे इतराजात कर रहा था कि अमेरिका का पिटू है, आज वो अमेरिका के लिए क्या कर रहा है, वो मूर्ति का यार, वो आज मूर्ति के लिए क्या कर रहा है, वो आज मूर्ति के साथ किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह का प्लेटफॉर्म। मेरे भाई प्लीज कोई हकायक को सामने ले, मैं मीडिया वाले से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके पाँव पे पड़ता हूँ, कुछ हकायक को सामने ले, सच बोलो, खुदा की कसम रब तुम्हारे साथ है, चाहे कोई हो या ना हो, रब तुम्हारे साथ है, सच बोलो, अल्लाह ताला तुम्हारा साथ देगा, अल्लाह ताला कभी आपको जाया नहीं होने देगा, सच बोलो, क़यामत तक मिटेगा नहीं, ये जितना भी मिटाने का कोशिश करेगा मिटेगा नहीं, मिटेगा पहले क्या मिट गया, आज से दो महीने पहले मिट गया, टेंशन नहीं लेना मेरा भाई, सच, अच्छा सच नहीं है तो क्यों पकड़ लिया भाई, यही तो बात है भाई, क्यों पकड़ लिया जो आप लोगों ने, यही तो बात है, आप सच ले आओ ना, आप ले आओ ना मेरे भाई, असल यही तो बात, ओ मेरे भाई सच पकड़ा गया तो पकड़े गए हैं, बात करने का मैंने कैसे भी मौका, ये पीआर पहला कटा जाते हैं, मुजरिम को बाद में पकड़ा जाता है, यहाँ पे पीआर नहीं कटे जाते, वो नहीं किया जाते, प्रूफ नहीं पेश किया जाते, बंदों को पकड़े जाते, उनको प्रेशराइज किया जाता है, उनको जो सारा कुछ वो भाई उसका ही बंदा ही मादा भी बना है ना, सन फवाद 90 पता नहीं कितने दिन उनके 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 वो हिरासत में रहा, वो पता नहीं उनके साथ उन्होंने क्या किया, क्या उससे क्या उनसे बुलवाया, वो तो वो जाने और वो जाने। भाई आप मुझे किसी पंजरे में बंद कर लो तो जाहिर बात है मैं भी इंसान हूँ, मैं भी कुछ ऐसे बात कर लूंगा जो मैंने नहीं किया, मैं मन जाऊंगा भाई, ये सब कुछ किस तरह किसके तहत। उसी दिन पवाद ने अगर कहना था, एक मिनट, पवाद अगर कहता तो उस दिन क्यों नहीं कहता, उससे दूसरे दिन क्यों नहीं कहता, उससे भाई क्यों उसके पवाद हसन पवाद को पता नहीं उन्होंने क्या लालच क्या कुछ दिया। वो मर्द नहीं है जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं है। अब महंगाई का क्या करेंगे इतनी ज्यादा महंगाई, सर महंगाई क्या करें, मुल्क कुछ मुल्क में है ही नहीं, खजाने में कुछ है ही नहीं, क्या करेगा, महंगा हो गया दाल, महंगा हो गया सब्जी, महंगा हो गया भाई, ये तब्दीली है, यही तब्दीली है, इसलिए महंगा कर दिया है ना, और क्या करे ना, ये तो क्या जवाब है, हाँ वो तो इसलिए महंगा कर दिया है ताकि पाकिस्तान का कर्जा उतर जाए। हम गैस खाने के लिए तैयार हो, लेकिन इमरान खान का शहनशाह जिंदाबाद, उसने इतनी है, उसे क्या करके डाली है, कर्जा उतार नहीं रहा है, वो कर्जा ले रहे कर्जा उतार है, कर्जा तो आप जैसे चोरों की वजह से ले रहे, खजाने तुम लोगों ने खाली किया, खजाने में कुछ नहीं है तो वो बेचारा क्या करेगा, सब लूट के ले गए तो अब यही है ना, कही पिछले वाली गुमर छोड़ा ही क्या है, खजाने खाली कर गई है, खसारा कर गई मुल्क का, गवर्नमेंट का कभी भी खजाना खाली नहीं होता, गवर्नमेंट का खजाना खाली हो जाता तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा, गवर्नमेंट का खजाना खाली नहीं होता। लेकिन ये बात है कि इमरान खान की हुकूमत आई है, मैं एक आम आदमी हूँ, मजदूर हूँ, मैं आप इमरान खान से गुजारिश करता हूँ कि ये जो भी काम कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, ये और मेरी दरख्वास्त ये है कि ये शहरों में नहीं ध्यान दे, गांव में भी ध्यान दे, गांव में जो सेम नाले हैं उनमें इतनी इतनी डब जमी हुई है, बारिश आती है जमीनों में पानी खड़ा हो जाता है और ये पानी नहीं निकलता, लिहाजा मेरी गुजारिश है कि गांव के जो सेम नाले हैं उनकी सफाई कराई जाए और जनरल जिया के टाइम हर मोगे के ऊपर जो पानी जमीनों में देता था, हर मोगे के ऊपर एक ट्यूबवेल था और इस हुकूमत ने वो ट्यूबवेल पटवा दिया, आप उस मोगे के ऊपर ट्यूबवेल लगवाएं और फसल ज्यादा होगी, ऐसी जमीनें हैं जिन जमीनों को पानी नहीं मिलता
और जो टू वेल खत्म इन्होंने कर दिया है उसकी वजह से ये जो जमीनों को पानी बहुत कम मिलता है। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि ये जो शहरों में नहीं ध्यान दे, गांव में भी ध्यान दे। महंगाई का क्या करेंगे? महंगाई में ध्यान दे, महंगाई का क्या करना है? महंगाई में गरीब आदमी को रोटी, महंगाई कैसे खत्म होगी सर? मुल्क में कुछ है नहीं बेचारे, ये क्या करेंगे, किस तरह महंगाई को हुकूमत, अगर हुकूमत अगर महंगाई भी नहीं खत्म कर सकती, वो दावा ये करके आई थी तो फिर हुकूमत वो आपको दे दें हुकूमत। नहीं नहीं, खजाने में पीटीआई वालों को कुछ नहीं नजर आ रहा, कहाँ पे गए? महंगाई कम करूंगा, क्या किया? कुछ भी नहीं किया। नून लीग को निशाना बनाया जा रहा है, आलत वाले उनके अपने करप्ट बंदे हैं, उनका ध्यान नहीं दे रहे, क्या करेंगे? इसका क्या जवाब है? सबका साफ दिशा, कौन करेगा? ये इमरान खान करेगा, पीटीआई सारे करप्ट है। ये जो भी निजाम है ना, दुनिया का निजाम है, मेरा निजाम है, सबका इंतजाम होगा। करेगा कौन? इमरान खान, पीटीआई खुद करप्ट है, इमरान खान खुद करप्ट है, इसने क्या करेगा? क्या करेगा वो? कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं करेगा। वाले देखें जी, हमने पीटीआई सबर करो जी, सबर करो, बात करने दो। देखो जी, हमने पीटीआई को वोट दिया था इमरान खान को कि ये अच्छे इंसान है, इन्होंने इतनी जहालत दिखाई है कि पूरी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ। एक बोर्ड 18,000 का या 20,000 का लगा हुआ है, उसको क्रेनों से ऐसे फाड़े हैं जैसे कोई दुश्मन नहीं है। वो तुमने टैक्स लेना मेरे से, मुझे पेपर भेज दो। आपने चोरी के बोर्ड से बत्ती लगाया हुआ है, आवाम को हक आ रहे हैं, इस वजह से आपका बोर्ड उतारने चाह रहे। उसने आपको नोटिस दे के बत्ती नहीं लगवाना। आवाम के गरीब आवाम के घर में बत्ती नहीं मिल रहे, आपने बोर्डों पे बत्ती लगा रहे और सरकारी बत्ती कोई बिल कोई चीज नहीं है, इस वजह से आपके साथ ज्यादा नहीं है। आप बरहक इमरान खान बरहक है। सऊदी अरब में 26 साल रहा हूँ, एक बोर्ड का 4,000 रियाल मैं देता हूँ। अगर तुमने पैसे लेने हैं तो मुझे पहले बताओ, इशू करो भाई, 10 दिन के अंदर अंदर आप ये पेपर कंप्यूटर पर चढ़ा लो, मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर ले लो, मुझे कंप्यूटर पर अगर मैं पैसे नहीं डालता मेरा इलीगल कंप्यूटर बंद कर दो। तुमने ये क्या किया कि पीटीआई आई है तो सारे बोर्ड फाड़ दिए इंसान दे रहे हैं, बोर्डों में बत्ती चल रहे हैं 24 घंटे, उसने कोई न बिल है न कोई सिस्टम है, सरकारी बत्तियों से बोर्ड चला रहे, कोई तरतीब है? आप बोर्ड चला रहे हैं, कुंडियां लगाए हैं, बोर्ड चला रहे हैं इलीगल तरीके, ये सारा जो सरकारी जगह पे रेडियां खड़ी हैं, ये कैसे ठीक होगा? वो ठीक करेगा ना? नोटिस लगाया गया बाजार में, नोटिस लगाया गया, ठीक है, उन्होंने बताया कि 10 दिन की मोहलत है, संडे तक, संडे के बाद अभी जाके देख लें बाजार के अंदर, कोई 10 दिन उसने नोटिस दिया बोर्डों के बारे में, 10 दिन का नोटिस दिया, जैसे मोटरसाइकिल हेलमेट का नोटिस। महंगाई का क्या करेंगे? ये महंगाई है क्या? अभी 140 से 137 पर डॉलर चला गया, तुम भीख मांग रहे हो और डैम के लिए पैसे मांग रहे हो, हम देने के लिए तैयार हैं। एक महीने में थोड़ी खत्म होगा, 70 साल का काम एक महीने में थोड़ी खत्म होगा। थोड़ा सा टैक्स इंसान के ऊपर लगा दो, वो भी सालों का चोर ने जो चोरी किया वो 1-3 महीने से नहीं पूरा हो सकेगा। आज मेरी बात याद रखें, ये डॉलर तो घर चलाए वो डिस्टर्ब हो जाता है, ये तो फिर मुल्क है। ये डॉलर 50 से ऊपर जाएगा, 150 रुपए से ऊपर नहीं किया मुझे पकड़ लेना। ये जो कर रहे हैं ना, ये जाके मंशा ग्रुप को पकड़े वो सही है, लेकिन गरीब आदमी को क्यों पकड़ रहे हैं? सारे पकड़े, शहबाज ने पकड़ा ही है ना, सारे पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह, सबके बराबर, एक बराबर है। शहबाज शरीफ नहीं मेरे भाई, कई पीटीआई के जो अपने छोर है उनको नजर नहीं आता, शहबाज शरीफ नजर आ गया। शहबाज शरीफ वो बात है, वाजे के दिए ना, कहना मेरे भाई, प्लीज जस्ट 1 मिनट भाई, 1 मिनट। कहना और करने में बहुत फर्क होता है, कहने में तो मैं भी कह दूंगा मेरे खिलाफ, लेकिन भाई शुरुआत, एक मिनट ले लिया, एक महीना उसने स्टार्ट ले लिया है यार। भाई मुझे प्लीज जुमला पूरा करने दे, मुझे प्लीज जुमला पूरा करने दे। जब उसने ये कहा कि मेरे से इतिहास शुरू, तो फिर अपने आपको इतिहास के लिए पेश करो, जो तुम्हारे खिलाफ नैब का केसेस है उसका सामने करो, उसको दूध का दूध पानी का पानी बनाओ। का मतलब है ऐसे हिसाब नहीं होता, इंसानों की तरह हिसाब करें। अगर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के ऊपर केस है, ये इमरान खान का नहीं है, ये नायब का केस है,
वही चलाएगा वही करेगा। इमरान खान आके कहता है जी मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, तुम मुफद के क्यों बदनाम हो रहे हो, तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो कि मेरे अंदर में नाइफ हो तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, यानी तुम बदमाश बड़े बने हुए। एक मिनट एक तरफ वो ये कह रहे मेरे भाई डाकू को पकड़ना बदमाशी है तो ये बदमाशी से करनी चाहिए, 100 बार करनी चाहिए, एक बार तो नहीं 100 बार। एक तरफ ये कह रहे कि नैब गैर जानिबदाराना इदारा है, दूसरी तरफ नैब चेयरमैन को बुलाता है और उनको छन बंदों का मेरे अंदाजे के मुताबिक यानी कि मेरा अपना दिमाग कह रहा है मुझे मेरे पास छन बंदों का बताता है कि भाई इनके साथ ये करना है और उनके साथ वो अपोजिशन लीडर। मेरी बात सुनो, इस अवाम ने लाहौर ने वोट इमरान खान को दिया है ना, ये जितना वोट फाड़ दिया है उतने ही वोट इमरान खान का पीछे चला गया है, पीछे चले जाएगा, हर बच्चे को पता है इमरान खान चोरियों के 32 से वोट चलते थे। मैंने इमरान खान को वोट दिया है लाइला मोहम्मद रसुल्ला, अगर मैं दोबारा वोट दे दूं तो मैं नहीं हूं, इमरान खान खत्म। गो इमरान गो, इस वक्त इमरान गो का नवाज नहीं और रो इमरान रो, रोता ही रहेगा जिंदगी भर इंशाल्लाह। ये आपका सोच है मेरा भाई, मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज जस्ट वन मिनट भाई, आपसे मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हकायक पे बात करो, मीडिया वाले आप हकायक पे बात करो, खुदा के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमान महंगाई का क्या करें सर? सबसे पहली बात ये है कि ये शोर तो होता है, सारा कुछ होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। मैं ना नून लीग की तरफ से बात करता हूँ, ना मैं पीटीआई की तरफ से बात करता हूँ, मैं मुख से बात करता हूँ कि इन्होंने गरीब बंदे को क्या रईफ दिया। सबसे वाली पहले बात, गरीब बंदे पे जितना बोझ अमीर पे, अमीर तो बर्दाश्त करेगा, वो उसको बिल ज़्यादा आ जाता है बिजली का वो बर्दाश्त करेगा, उसको गैस का बिल ज़्यादा आता था वो बर्दाश्त करेगा, गरीब का सुनिए। सबसे पहले इनको ये काम करना चाहिए था, सबसे पहले कि 100% जो है ना वो सर्वे होता, जो गरीब तबका था, तनख्वाहदार तबका था, मजदूर बंदा था ना, उनको अलहदा निकालते, उनके लिए फूड कार्ड होता, जो जाता किसी दुकान पे, किसी स्टोर पे जाता, जाके फूड कार्ड देता, उसमें उसको जितने जो इन्होंने सब्सिडियाँ उठाई हैं, यानी कि यूनिटल स्टोर से सब्सिडी उठाई हैं, वो चीज़ महंगी, चीनी महंगी होगी, दाल महंगी होगी, घी महंगा होगा, हर चीज़ महंगी होगी, ठीक है, सब्सिडी उठी गई, 2-4 रुपए का जो फर्क आता था, 2-4 रुपए का जो रईफ मिल रहा था गरीब बंदे, वो गरीब बंदे अमीर तो खरीदेगा, अमीर तो 4 रुपए महंगा मिलेगा वो खरीद लेगा। इनको सबसे पहले इन्होंने जो काम करना चाहिए था ना गरीब के लिए वो नहीं किया, कि उनके लिए 100% सर्वे होता, जो गरीब लोग थे उनके लिए फूड कार्ड बनाते, फूड कार्ड। इसका क्या जवाब? अभी तो सर उनकी कोई पॉलिसी वाजह नहीं हुई ना, 100 डेज के बाद उनकी पॉलिसी वाजह, 100 डेज के बाद नजर आना शुरू होगा कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि 35 साल का गांधी, आप 35 दिनों में आप खत्म करना चाहे, ऐसे थोड़ी। मैं सर सिर्फ 5 मिनट लेना चाहता हूँ, ये इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में क्या हुआ पूरी दुनिया जानती, ठीक है, महंगाई का क्या करें? मैं सर मुझे सिर्फ 5 मिनट नहीं है, घर की मौसी ठीक करने के लिए भी थोड़ा बहुत पेट काटना पड़ता है, दुनिया को चिकना चूर कर दिया और गरीब के लिए दिया और गरीब बंदा कभी ये निकाम हुकूमत है, ये कामयाब नहीं कभी हो सकती, जो गरीब का नहीं सोचता, गरीब की आवाज जो है ना अरश में जाती है, अरश वाला सुनता है गरीब की आवाज, इन्होंने गरीब को दबा दिया, गरीब को मार दिया, गरीब किधर से बिल दे दो, जो रात को जिसका बच्चा खाना नहीं खा के सोता वो सुबह बिल किधर 6,000 रुपया पे करे, जिसका बच्चा मरीज में पड़ा है, ये बिल इमरान खान ने नहीं बढ़ाए, ये बिल नवाज शरीफ और जरदारी ने बढ़ाए हैं, ये दोनों 1 महीना हुआ है, एक महीना हुआ है अभी, शहबाज शरीफ का कोई बंदा रास्ता नहीं खोल सकता, कोई वो उन्होंने गरीब के लिए सब्सिडियां दी हुई थी, मेट्रो बस चल रही है 20 रुपए किराया होता था, ये गरीब लोग मजदूरी करने जाते थे,
ये अपने बच्चों के पेट के लिए लेके आते थे। ठीक है, देखें अभी उसको एक महीना हुआ है, एक महीना हुआ है, आप 70 साल का कंपैरिजन एक महीने से कर रहे हैं, ये बिल्कुल अनफेयर है। दूसरी बात ये है कि अभी आवाम को थोड़ा थोड़ा जो है ना मुश्किल परेशानी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ठीक है, लाहौर मेट्रो मुल्तान मेट्रो, एक मिनट, लाहौर मेट्रो, एक मिनट, लाहौर मेट्रो में पक्के ने इमरान खान करप्शन हुआ है, एक मिनट भाई भाई, एक मिनट, लाहौर मेट्रो में करप्शन हुआ है, मुल्तान मेट्रो में करप्शन हुआ है, पेशावर मेट्रो जो दुगने लागत से ज्यादा आगे चली गई उसमें करप्शन कोई नहीं, वो उसको नजर नहीं आ रहा है। मेरे भाई कम से कम हकायक पे बात करें, हमारे जिस्म का खून पीने कोई बात नहीं, साल भी अजाब झेलना पड़े तो हम जरूर झेलेंगे। क्रप टोला आजकल पीटीआई में नजर आ रहा है, क्रप टोला पीटीआई में है, हमारी आवाम नहीं चाहती, एक महीने में नहीं निकलता, तीन बच्चे पढ़े, इनका माँ पियो को चाहिए ना, इनका बाप को चाहिए पढ़ाए, वो हो गया मीर जाते, इमरान खान है ये करवा रहा है, इमरान खान ये करवा रहा है, इमरान खान किधर गया, किधर गया गरीब आवाम किधर गई, अरे महीना नहीं आया सारा, ओए सबर कर लो, कहीं नहीं हो सकता सबर, हो ही नहीं सकता, साल तुसी सबर करदे रहे हो, साबित नहीं हुई करप्शन, इमरान का की खाता था, लुट के फोन नहीं आता, शेर शेर गया होना सर, एक मिनट सर, ये भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है, ये पाकिस्तान की कैसी सियासत है, भाई को भाई से लड़ाई जा रहे हैं, क्या सियासत करना चाहते हैं आप लोग, वो चोर का साथ दे रहा है, भाई भाई से लड़ा, चोर भाई है, मैं भी इसका भाई है, क्यों ऐसे हो रहा है, चोर का साथ दे रहे हो, चोर का साथ ना दे, चोर होगा, इमरान खान ने वोट खरीदे हैं, और मैं साबित करवाता हूँ, करेगा ना तो उससे भी ऐसे सवाल होंगे, अपने से इंतजाम शुरू होगा, अपने से इंतजाम कोई शुरू होगा, 2000 रुपए का अपने हाथ से देखा, अपनी आंखों से देखा, सर जब इमरान खान चोरी करेगा उससे भी इतने ही सवाल किए जाएंगे, शुरू होगा, किया उसने, अभी याद आया सारा कुछ खा गया, खा गया नहीं कौन, वो भाई कह रहे इमरान खान जब चोरी करे तो तमाम चोर तो इमरान खान के टोले में है मेरे भाई, चोरी और कैसे करे मुझे ये बताए, वो इमरान खुद करप्ट है, जब उन पे साबित हो जाएगा ना तब उनको भी साबित किस पे, साबित महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू हो चुका है, फहद शहबाज खान को इशरा से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।